YouTube के शिव शक्ति चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी नॉलेज और मनोरंजन लगातार बढ़ते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चवर चमार वंश का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है, खासकर भारत का। आप इसमें जितना ही डूबेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। आइए कुछ झलक देखते हैं और अब जानते हैं चमार जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में। सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंबर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टैड को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंबर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रख्यात लेखक डॉ विजय सोनकर शास्त्री ने भी गहन शोध के बाद इनके स्वर्णिम अतीत को विस्तार से बताने वाली पुस्तक हिंदू चर्ममारी जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास लिखी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख है। डॉ शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो चमार कोई शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति ही थी। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉ हमीदा खातून लिखती हैं। मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चर्म एवं सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषिद्ध व हेय समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए थे। डॉ विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंबर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंबरसेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बाप्पा रावल वंश के साथ था। राणा सांगा व बिबगी कुमिची, उनकी पत्नी झाली रानी ने चंबर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूंछे और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित हो कोई उत्तर न दे सका और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त वैष्णव हिंदू हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा एवं उसने संत रैदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जुति बनाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कहा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे, परख लू झूठ कुरान, वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। रैदास रामायण। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रत्युत्तर में चंबर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत हो सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा था।
संत रैदास का यह दोहा देखिए। बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा, जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आपा उचारे, पढ़े नमाज जब ही चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहों को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है जो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रियों को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत करता है। चंबर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। चमार जाति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चमार जाति का वंशानुगत व्यवसाय चमड़ा रंगना है। चमार शब्द संस्कृत के शब्द चर्मकार से बना है, जिसका मतलब है त्वचा कार्यकर्ता। चमार जाति के लोग ऐतिहासिक रूप से कृषक और बुनकर भी रहे हैं। कुछ चमारों ने कपड़ा बुनने का काम अपना लिया और खुद को जुलाहा चमार कहने लगे। चमार जाति के लोग पहले अछूत कहलाते थे। उन्हें जातिगत भेदभाव और छुआछूत का दंश झेलना पड़ा। चमार जाति को आधुनिक भारत के सकारात्मक भेदभाव प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। चमार जाति के लोग 150 से ज्यादा उपजातियों में बंटे हुए हैं। इन सभी उपजातियों में अच्छी तरह से संगठित पंचायतें होती हैं। चमार जाति के लोग रविदास को अपना गुरु मानते हैं। रविदास 16वीं सदी के एक प्रभावशाली कवि संत थे। चमार जाति से जुड़ी एक रेजिमेंट भी थी। इसका गठन जातिगत आधार पर किया गया था। यह रेजिमेंट बर्मा में जापानियों के खिलाफ लड़ी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी अन्य जाति के गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए कमेंट में जाति का नाम लिखें। जल्दी ही जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।